हेलो एवरीवन, मैं अंजलि शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का बड़ा उतना मास्टर चैनल पर। तो भाई, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने एनआईओएस की सीरीज यहाँ पे स्टार्ट की हुई है, और एनआईओएस की सीरीज में काफी कुछ हम कवर कर चुके हैं। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एनसीएफ 2005, जो है आज हमारा मेन टॉपिक रहेगा यहाँ पे। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आइए हम जान लेते हैं। फर्स्ट क्या कि जो हमारा भाई 10+2+3 जो एक स्ट्रक्चर रहता है, जिसको हम कॉमन एजुकेशनल स्ट्रक्चर बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो ये किसके द्वारा सजेस्ट किया गया था? कोठारी कमीशन ने इस स्ट्रक्चर को प्रपोज किया था या फिर सजेस्ट किया था। तो भाई यहाँ पे जो हमारा स्ट्रक्चर है एजुकेशनल सिस्टम का, इंडिया में फॉलो किया जाता है आज भी, तो ये कैसे रहेगा भाई कि जो प्री प्राइमरी है स्टेज, उसमें नर्सरी, एलकेजी एंड यूकेजी जो क्लासेस आएंगी, यानी लोअर किंडरगार्टन एंड यूकेजी को हम क्या कहते हैं भाई, अपर किंडरगार्टन। फिर लो प्राइमरी जो स्टेज है उसको दो यहाँ पे फर्दर स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज लोअर प्राइमरी, सेकंड इज अपर प्राइमरी। लोअर प्राइमरी फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास, यानी फर्स्ट टू फिफ्थ स्टैंडर्ड तक रहेगा, एंड अपर प्राइमरी सिक्स टू एट रहेगा यहाँ पे। फिर है भाई सेकेंडरी लेवल जो है हमारा नाइन्थ और टेंथ के लिए, और जो हायर सेकेंडरी लेवल है उसमें इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ स्टैंडर्ड यहाँ पे आ जाएगा। ये लो भाई, यहाँ पे एलकेजी एंड यूकेजी की ये फुल फॉर्म्स है। तो चलिए भाई, आज जो हमारा मेन जो यहाँ पे टॉपिक है वो क्या है, एनसीएफ 2005। लेट्स जस्ट डिस्कस दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्यों भाई? क्योंकि अभी तक जो भी हमारा एजुकेशनल सिस्टम है, जो भी हमारा करिकुलम है, टेक्स्ट बुक डिजाइनिंग है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस हैं, या फिर टीचिंग लर्निंग मेथड्स आप कह सकते हैं, मटेरियल कह सकते हैं, ये सब किस पे बेस्ड है? हमारे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 पे ये जो है हमारे बेस्ड है। अब भाई सबसे पहली बात अगर हम करें कि ये जो एनसीएफ 2005 था, जो 2005 में यहाँ पे बनाया गया था, ये कैसी अप्रोच पे बेस्ड था भाई? ये कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच पे बेस्ड था। कौन होते हैं भाई कंस्ट्रक्टिविस्ट? यानी रचनावादी अप्रोच पे ये बेस्ड था। कंस्ट्रक्टिविस्ट वो साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो मानते हैं कि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। अब अगर बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है, दैट मीन्स चाइल्ड को सेंटर में रख के उसके अराउंड ही सारी प्रोसेसेस, सारी अप्रोचेस यहाँ पे क्या होंगी, चलेंगे, ठीक है भाई। यानी जितनी भी हमारी टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज होंगी, जितनी भी हमारी प्रोसेसेस रहेंगी, जो भी कुछ क्लासरूम में होगा, स्कूल में होगा, वो सब बच्चे को केंद्र में रख के, यानी बच्चे को केंद्र में रखने का क्या मतलब है कि उसका फिजिकल डेवलपमेंट, उसका कॉग्निटिव, मॉरल, सोशल, हर प्रकार का, इमोशनल, हर प्रकार का, हर एस्पेक्ट से वो क्या करे, होलिस्टिकली बच्चा यहाँ पे डेवलप करे। इस हिसाब से जो है करिकुलम का फ्रेमवर्क यहाँ पे बनाया जाएगा, और इसी अकॉर्डिंग यहाँ पे टेक्स्ट बुक की डिजाइनिंग की जाएगी। सो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 रिव्यूज एंड रेफर्स टू द रिकमेंडेशंस ऑफ द मुदालियर कमीशन एंड कोठारी कमीशन की रिकमेंडेशंस को इसने क्या किया, रिव्यू किया भाई। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है कि जो एनसीएफ हमारा 2005 है, वो लर्निंग विदाउट बर्डन, या फिर जो यशपाल कमेटी की रिपोर्ट हम कह सकते हैं 1993-1992 का जो टाइम पीरियड है, उस रिपोर्ट पे ये क्या है, एक तरह से आधारित है, ठीक है। और साथ ही में जो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986, जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने दोनों जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज उनको डिस्कस किया था, 1968 वाली भी और 86 वाली भी। तो भाई देखिए, जो एनसीएफ 2005 है वो एग्जामिन करता है द करिकुलम लोड ऑन चिल्ड्रन, यानी जो बच्चे हैं उन पर कितना ज्यादा यहाँ पे बर्डन है, ठीक है। तो इस चीज को काफी डेप्थ में यहाँ पे स्टडी किया गया था एनसीएफ जो हमारा है 2005 उसके द्वारा। और फिर ये सब चीजें यहाँ पे स्टडी करने के बाद इसने कुछ सजेशंस यहाँ पे दिए, या फिर कुछ रिकमेंडेशंस दी, और क्या थी वो कि भाई जो टीचर्स हैं दे आर फ्री टू चूज एंड प्रोवाइड द लर्निंग एक्सपीरियंसेस। यानी टीचर्स को यहाँ पे एक तरह से बहुत ज्यादा फ्रीडम दी गई कि भाई टीचर है ना अपने हिसाब से, कि वो जो क्लास में बच्चे बैठे हैं उसकी क्लास में जो भी स्टूडेंट्स हैं, जैसा भी उनका कॉग्निटिव लेवल है, जिस हिसाब से, जिस सोशल बैकग्राउंड से वो बिलोंग करते हैं, वैसे ही आप क्या करोगे, अपनी प्रोसेसेस को चूज करोगे कि भाई आपको उनको कैसे जो है पढ़ाना है, किस मीडियम में, सॉरी किस प्रोसेस से, या फिर किस मेथड से आपको उनको एजुकेशन जो है देनी है, या कॉन्सेप्ट उनके बिल्ड करने हैं। मीडिया एंड एजुकेशनल टेक्नोलॉजीज को भी यहाँ पे एक अफेक्टिव मोड माना गया फॉर द करिकुलम ट्रांजेक्शन। यानी एनसीएफ क्या कहता है
कि भाई मीडिया को भी इन्वॉल्व करो जब आप बच्चे को कुछ कॉन्सेप्ट सिखा रहे हो यहाँ पे, और जो न्यू एजुकेशनल टेक्नोलॉजीज हैं यानी जो हमारा ICT है उसको भी क्या करो यहाँ पे इसके माध्यम को भी जो है यूज किया जाए टू कंस्ट्रक्ट जो है टू कंस्ट्रक्ट द कॉन्सेप्ट एंड टू कंस्ट्रक्ट द नॉलेज ऑफ द चाइल्ड। यानी जो बच्चे हैं उनको आप फैसिलिटेट करो, उनको आप प्रोवाइड करो, ऐसे आप उनको मौके दो, ऐसे आप उनको यहाँ पे एक्टिविटीज वगैरह करने के लिए ऐसे आप उनका फ्रेमवर्क पूरा डिजाइन करो कि जो बच्चे हैं वो अपनी नॉलेज को खुद क्या कर सके, कंस्ट्रक्ट कर सके, और वो भी कैसे एक्टिवली, और जो उनकी लर्निंग है वो होलसम हो। होलसम मतलब होलिस्टिकली वो सीखे, यानी अपनी सारी सेंसेस को यूज करके वो सीख रहे हैं, ठीक है, एक तरह से, और वो क्रिएटिविटी उनमें आए, और वो लर्निंग को क्या करें भाई, इंजॉय करें। क्यों करें इंजॉय? क्योंकि ये जो NCF है हमारा वो क्या कहता है कि बच्चे की जो लर्निंग है वो विदाउट बर्डन होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए भाई? बर्डन के बिना होनी चाहिए, ठीक है। अब जो NCF है वो 4 गाइडिंग प्रिंसिपल्स पे यहाँ पे बनाया गया। गाइडिंग प्रिंसिपल्स दैट मींस जो भी हमारा कुछ भी रिकमेंडेशंस होगी, जो भी हमारा करिकुलम को फ्रेमवर्क किया जाएगा या जैसी भी यहाँ पे सजेशंस होंगी, वो इन 4 महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है इनको ध्यान में रखते हुए ही यहाँ पे दी जाएंगी। फर्स्ट क्या है भाई, अब जो बच्चा है ठीक है उसकी जो लाइफ है आउटसाइड द स्कूल भी वो काफी कुछ एक्सपीरियंसेस सीख रहा है। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ स्कूल में आके उसका दिमाग खुलता है और जो बाहर है उसका दिमाग एकदम शट डाउन हो जाएगा ऐसे कंप्यूटर की तरह, ठीक है, ऐसा नहीं होता। जो बच्चा है वो स्कूल से बाहर भी सीखता है और वो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस गेन करता है, जब वो खेल रहा होता है, जब वो अपने आस पड़ोस में भी बात कर रहा होता है, लोगों से इंटरेक्ट कर रहा होता है, ठीक है, रास्ते में भी, तो उसके डाइवर्स एक्सपीरियंसेस होते हैं स्कूल के बाहर भी। तो उस नॉलेज को, उन एक्सपीरियंसेस को भी हमें क्या करना है, कनेक्ट करना है जो हमारे जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग एक टीचर कर रहा है ना उसके द्वारा, ठीक है। तो सेकंड प्रिंसिपल क्या कहता है भाई, इंश्योरिंग दैट लर्निंग शिफ्ट्स अवे फ्रॉम रोट मेथड्स। बिल्कुल, अगर जो टीचर है वो बच्चे की जो पूरा कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन है उस प्रोसेस को अगर वो क्या करेगा, उसके आउटसाइड जो लाइफ है, स्कूल के बाहर जो लाइफ है उससे कनेक्ट कर देगा, उसकी लाइफ से कनेक्ट कर देगा, तो यहाँ पे जो उसको रट्टे मारने की जरूरत पड़ रही थी किताबों से, वो लर्निंग उसकी क्या हो जाएगी भाई, शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। लर्निंग शिफ्ट अवे फ्रॉम रोट मेथड, यानी कि हमें बच्चे को यहाँ पे रटवाना नहीं है, उसको उसकी लाइफ से चीजों को रिलेट करवाना है, उसको ऐसे एग्जाम्पल्स देने हैं ताकि वो उनको अपनी लाइफ से रिलेट कर सके और वो कनेक्ट कर सके उन चीजों को, ठीक है। तो नेक्स्ट भाई क्या है हमारा गाइडिंग प्रिंसिपल, एनरिचिंग द करिकुलम सो दैट इट गोज बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक। बिल्कुल भाई, करिकुलम ऐसा डिजाइन किया जाए कि वो सिर्फ किताबों तक ही सीमित ना हो। जैसे कि आप अपनी जो EVS की 3rd to 5th वाली बुक्स है EVS की अगर आपने पढ़ी होंगी, एंड मेक श्योर करना कि वो बुक्स हैं जो आप जरूर पढ़िए, ठीक है, उनको लाइन टू लाइन पढ़ने में आपको लगेगा कि ठीक है ज्यादा फैक्ट्स नहीं है, बट उसमें नीचे ना कुछ की पॉइंट्स दे रखे हैं टीचर्स के लिए भी, और आप देखोगे ना कि बुक को ऐसे डिजाइन किया गया है कि वहां पे सिर्फ जो हमारी एक्टिविटी है या जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ टेक्स्ट बुक तक सीमित नहीं है, ठीक है, उसमें बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज दे रखी हैं कि भाई अगर आप कोई कॉन्सेप्ट सिखाना चाह रहे हो तो बच्चे को ऑब्जर्व करवाओ, ठीक है, बच्चे को ऐसे टास्क दो कि वो ऑब्जर्व करे और वो अपने आसपास की लाइफ से चीजों को क्या कर सके, रिलेट कर सके, वो खुद एक्सप्लोर करे, अपने ज्ञान का निर्माण वो जो है अपनी नॉलेज का निर्माण वो खुद से करे। तो करिकुलम को इस तरह से, टेक्स्ट बुक को इस तरह से डिजाइन किया जाए कि भाई वो जो है हमारा करिकुलम है, वो जो हमारे कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन है वो सिर्फ किताबों तक ही सीमित ना रह जाए। मेकिंग एग्जामिनेशंस मोर फ्लेक्सिबल। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है भाई, कि जो किसी की क्षमता, किसी की कैपेसिटी, किसी बच्चे का पोटेंशियल है उसको सिर्फ आप एक पेन पेपर टेस्ट से जो है आंक नहीं सकते हो। क्यों नहीं आंक सकते हैं भाई? क्या पता उस पर्टिकुलर डे पे उसके साथ कुछ ऐसा घटित हुआ हो जिससे वो मेंटली स्टेबल नहीं फील कर रहा हो, और जो भी चीजें उसको अपनी लाइफ में एक्सपीरियंसेस हुए, जो भी चीजें उसको आती हैं एक तरह से एग्जाम में, वो उस टाइम पे उसको नहीं लिख पाए। तो इसके लिए जो हमें एग्जामिनेशन सिस्टम है भाई उसको क्या करना पड़ेगा, काफी फ्लेक्सिबल बनाना पड़ेगा, यानी जो बच्चा है उसके एवरी एस्पेक्ट को यहाँ पे क्या किया जाए, असेस किया जाए, वो को करिकुलर एक्टिविटीज में कितना अच्छा है, वो क्रिएटिव थिंकिंग में कितना अच्छा है, वो क्रिटिकल थिंकिंग में कितना अच्छा है, वो डाइवर्जेंट थिंकिंग में कैसा है, ठीक है, या फिर वो पार्टिसिपेशन ग्रुप एक्टिविटीज में कितना करता है। तो ये सारी चीजें जब यहाँ पे क्या की जाएंगी, असेसमेंट में इन्वॉल्व की जाएंगी, तो दैट मीन्स हम एग्जामिनेशन को क्या कर रहे हैं भाई, फ्लेक्सीबल
कर रहे हैं, ठीक है। और क्यों कर रहे हैं हम ये सब कुछ? क्योंकि जो शिक्षा है वो चाइल्ड केंद्रित, यानी जो बाल केंद्रित शिक्षा बनाने के लिए, पूरा सिस्टम बनाने के लिए हम ये सब क्या है कर रहे हैं, बिल्कुल बच्चे के लिए हो रहा है भाई सब कुछ। अगर बच्चे को ही समझ नहीं आएगा, बच्चे को ही पढ़ने में मजा नहीं आएगा, तो फायदा क्या है गवर्नमेंट की इतनी ग्रांट वगैरह देने का, टीचर का इतना एफर्ट लगने का, या फिर इतना जो टाइम यहाँ पे स्पेंड हो रहा है, उस सब का कोई मतलब नहीं बनता अगर बच्चे को यहाँ पे अच्छा फील नहीं हो रहा है, बच्चे की लर्निंग नहीं हो रही है यहाँ पे इसीलिए। सो क्या है भाई अगले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। दैट चाइल्ड कैन बी मेड एन एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द नॉलेज, बिल्कुल वही पॉइंट है भाई जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे। और कैसे एक जो टीचर है वो कैसे बच्चे का ज्ञान का निर्माण उससे खुद करवा सकता है, टीचर ऐसे उससे क्वेश्चंस पूछे, ठीक है, टीचर रिलेट करे व्हाट दे आर लर्निंग इन स्कूल टू द थिंग्स हैपनिंग आउटसाइड, यानी जो भी बच्चा अपने यहाँ पे लेसन में लर्न कर रहा है उस चीज को उसकी आउटसाइड लाइफ से क्या कर दे टीचर, रिलेट कर दे। एनकरेज देम टू आंसर फ्रॉम देयर ओन एक्सपीरियंसेस, बिल्कुल भाई अगर जो बच्चा है उसको मौके दोगे आप बोलने के, ठीक है, तो वो अपने बहुत सारे डाइवर्स एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करेगा। सिर्फ बुकिश नॉलेज से उसका जो माइंड है वो क्या होगा, खुल नहीं पाएगा, लेकिन जब वो अपने एक्सपीरियंसेस, बहुत सारे बच्चे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे तो यहाँ पे उसका काफी ज्यादा कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, बिल्कुल। नेक्स्ट क्या पॉइंट है भाई कि जो बच्चा है उसको अपने पीयर्स के साथ इंटरेक्ट करने दो, उसको टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करने दो, यहाँ पे ओल्डर एंड यंगर पीपल के साथ उसको इंटरेक्ट करने दो। क्यों करने दो ऐसा? क्योंकि ये चीज उसका माइंड, एक तरह से उसके माइंड को एनरिच करती है और उसकी लर्निंग को भी काफी ज्यादा एनरिच करती है। क्यों करती है? क्योंकि उसको डिफरेंट एज के पर्सपेक्टिव जानने को मिल रहे हैं, उसको पता लग रहा है कि अच्छा ये एक पॉसिबिलिटी ये भी है, इसी चीज को सोचने की एक पॉसिबिलिटी ये भी है, एक तरीका ये भी है जिससे हम सोच सकते हैं। तो इससे बच्चे का क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे एक तरह से अधिगम जो है, उसकी लर्निंग जो है वो काफी ज्यादा रिच हो रही है, ठीक है। सो चिल्ड्रन सीक आउट नॉलेज फ्रॉम होम कम्युनिटी एंड फ्रॉम द लाइब्रेरी, भाई उनको टेक्स्ट बुक के अलावा ऐसे एक्सपीरियंसेस आप दो कि भाई अपने एक्सपीरियंसेस से वो सीखें, अच्छा जो एक्सपीरियंसेस होम घर पे उनके एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं वहां से वो सीखे, लाइब्रेरी कम्युनिटी के जो भी एक्सपीरियंसेस है वहां से वो सीखे। तो भाई कंस्ट्रक्टिविस्ट पेडागोजी बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि भाई जो एनसीएफ है वो किस अप्रोच पे बेस्ड है, वो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच पे बेस्ड है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या इन लैंग्वेज के बारे में जो है एनसीएफ क्या कहता है। इट एम्फसाइजेस ऑन इम्प्लीमेंटिंग द थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला, बिल्कुल भाई तीन जो त्रिभाषीय यहाँ पे जो फॉर्मूला है उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की बात करी गई है। और एम्फेसिस सबसे ज्यादा बल किस चीज पे दिया गया है कि जो हमारा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रहे वो क्या रहे भाई, मदर टंग रहे, क्या रहे, हमारी मातृभाषा में जो है यहाँ पे बच्चे को शिक्षा दी जानी चाहिए, ठीक है भाई। नेक्स्ट देख लेते हैं कि जो इंग्लिश, मैथमेटिक्स और जो साइंस है ना, ये तीनों हमारे क्या होते हैं, कोर सब्जेक्ट होते हैं। और एनसीएफ क्या कहता है कि नियरली 50% बच्चे इन सब्जेक्ट्स में क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। अब क्यों होते हैं भाई फेल? क्योंकि यहाँ पे हम अच्छे से बच्चों को एक होलिस्टिकली चीजों को सिखाने में यहाँ पे जो टीचर्स हैं वो फेल हो रहे हैं, वो होलिस्टिकली उनको नहीं सिखा पा रहे हैं। क्यों नहीं सिखा पा रहे हैं? क्योंकि वो सिर्फ कॉन्सेप्ट को रटवाने में यहाँ पे विश्वास रखते हैं, इसलिए जो बच्चे हैं इतने इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स में भी क्या हो रहे हैं भाई, फेल हो रहे हैं, ठीक है। तो ये जो फोकस ग्रुप था ऑन द टीचिंग ऑफ साइंस एम्फसाइज्ड ऑन एक्सपेरिमेंट बेस्ड लर्निंग, क्या बोला भाई कि जब भी आप साइंस पढ़ा रहे हो ना तो साइंस को आप किससे पढ़ाओ, एक्सपेरिमेंट करके पढ़ाओ, ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स बेस्ड लर्निंग कराओ, यानी छोटे छोटे आप क्या कराओ, क्लास में छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स कराओ, छोटे छोटे एक्टिविटीज कराओ, डेमोन्स्ट्रेशंस कराओ साइंस को पढ़ाने के लिए, ठीक है भाई। फिर मैथमेटिक्स लर्निंग के बारे में क्या कहता है एनसीएफ देख लेते हैं। मैथमेटिक्स लर्निंग शुड हेल्प इन एनहेंसिंग द चाइल्ड एबिलिटी टू थिंक एंड रीजन, बिल्कुल कि मैथमेटिक्स जो है ना वो इस तरह से पढ़ाया जाए बच्चे को ताकि वो उसकी सोचने की क्षमता को और उसके रीजन यानी लॉजिक लगाने की क्षमता को, क्यों क्यों भाई, क्योंकि जो मैथमेटिक्स है वो एक लॉजिकल सब्जेक्ट है। क्वेश्चन भी आता है भाई ये कि जो मैथमेटिक्स है उसका कैसा नेचर है, उसका नेचर है लॉजिकल, यानी रीजनिंग एबिलिटी की यहाँ पे जरूरत पड़ती है अगर मैथमेटिक्स को हमें बच्चे को सिखाना है।
उसको इस तरह से मैथमेटिक्स सिखाया जाए ताकि वो विजुअलाइज कर सके प्रॉब्लम्स को, और एब्स्ट्रैक्शंस को भी वो क्या कर सके, हैंडल कर सके। दो तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं, एक तो कंक्रीट और दूसरे एब्स्ट्रैक्ट। अब मैथमेटिक्स जो है उसमें काफी ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ठीक है भाई, और उनको वो इन सब कॉन्सेप्ट्स को वो यूज करके जो है प्रॉब्लम्स उनको सॉल्व कर सके, और स्पेशली अपनी एवरीडे लाइफ के जो एवरीडे एक्सपीरियंसेस हैं, एवरीडे लाइफ की उसकी जो प्रॉब्लम्स है उनको भी वो क्या कर सके भाई, सॉल्व कर सके। दूसरी बात है कि भाई एनवायरमेंटल एजुकेशन के बारे में एनसीएफ क्या कह रहे हैं। यहाँ पे एनवायरमेंटल एजुकेशन के बारे में एनसीएफ कहता है कि जो एनवायरमेंट एजुकेशन शुड बिकम अ पार्ट ऑफ एवरी सब्जेक्ट। बिल्कुल, कैसे बनेगा भाई, जो ईवीएस है उसको एक तरह से जो एनवायरमेंट से रिलेटेड जो हम कुछ भी सिखाना चाह रहे हैं बच्चे को, तो सिर्फ उसको एक सब्जेक्ट के मतलब दायरे में हम नहीं रख सकते हैं। इट्स लाइक कि हमें जो एनवायरमेंट इश्यूज हैं उनको हम हर सब्जेक्ट के थ्रू बच्चे को क्या कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, बच्चे को सेंसिटाइज कर सकते हैं। मान लो मैथ का आप कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हो, कुछ भी आप सिखाना चाह रहे हो, मान लो फ्रैक्शन सिखाना चाह रहे हो, ठीक है, फ्रैक्शन में आपने एक बॉल लिया, उसमें वाटर लिया, उसमें उस बॉल के वाटर को आपने हाफ कर दिया दूसरे बॉल में, 1/2 1/2 का कॉन्सेप्ट आप सिखा रहे हो वहां पे, ठीक है फ्रैक्शन, लेकिन आप वहां पे बच्चे को सेंसिटाइज कर सकते हो किसके प्रति, वाटर पोल्यूशन के प्रति, या फिर जो हमारा पानी का बहुत ज्यादा आजकल एक तरह से हम कह सकते हैं पोल्यूट कर रही है, इंडस्ट्रीज पोल्यूट कर रही है, बहुत ज्यादा वेस्टेज हम करते हैं पीने का पानी का, तो उन चीजों के प्रति आप क्या कर सकते हो, बच्चे को वहीं पे सेंसिटाइज कर सकते हो। तो क्या यहाँ पे हमने एनवायरमेंटल एजुकेशन दी है लेकिन एक सब्जेक्ट का पार्ट बना के एक तरह से, ठीक है भाई। जो एनसीएफ है वो क्या रिकमेंड करता है, जेंडर जस्टिस को रिकमेंड करता है। बिल्कुल, जेंडर जस्टिस एंड जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, पक्का एक क्वेश्चन आता है हर बार, क्या कि भाई जो जेंडर जस्टिस है यानी कि दोनों जेंडर को यहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जानी चाहिए, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे वो बॉयज हो, ठीक है। सेंसिटिविटी टू ट्राइबल एंड दलित इश्यूज एंड माइनॉरिटी सेंसिबिलिटीज। बिल्कुल, क्या कहता है भाई एनसीएफ कि जो बच्चा है उसको ट्राइबल इश्यूज, दलित इश्यूज के बारे में यहाँ पे सेंसिटाइज करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये उसका जो है निर्माण का एक तरह से डेवलपमेंट की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेज है, और यहाँ पे अगर आप ऐसे इश्यूज को बच्चे के सामने लाओगे, उसको सेंसिटाइज करोगे इन चीजों के बारे में, तो आगे जाके वो इन चीजों को क्या करेगा भाई, एक तरह से स्टीरियोटाइपिंग को वो फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। द डॉक्यूमेंट ड्रॉज अटेंशन टू वर्क एंड एजुकेशन। बिल्कुल भाई, डॉक्यूमेंट ने क्या बोला है, एनसीएफ ने क्या बोला है कि एजुकेशन के साथ साथ हम बच्चों को कुछ वर्क यानी कुछ जो है हमारे ऐसे काम जो हमारे कल्चर और इकोनॉमिक वेल्थ से जुड़े हुए हैं, ठीक है भाई। मान लो कोई हमारे कल्चरल या ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट है किसी जगह के, उनसे रिलेटेड आप क्या कराओ, बच्चे को वर्क एजुकेशन भी दो। मस्ट लिंक अप विद द हेरिटेज क्राफ्ट्स, ये वही बात है। फिर देखते हैं भाई, इट एम्फेसाइजेस ऑन द नीड फॉर प्लुरैलिटी ऑफ मटीरियल्स एज ऑल्सो द नीड फॉर टीचर ऑटोनमी एंड द प्रोफेशनल इंडिपेंडेंस। क्या कहता है भाई कि जो टीचर है, ठीक है, जो टीचर है उस वो जो टीएलएम यूज कर रहा है वो क्या करे, एक रेंज ऑफ टीएलएम उसको यूज करना चाहिए, यानी ऐसे टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स जो है टीचर यूज कर सकता है जो जैसे विजुअली इम्पेयर्ड जो बच्चे हैं वो भी उसको क्या कर सके अच्छे से, उसके हेल्प से उस कॉन्सेप्ट को समझ सके, जो थोड़ा सा हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा है वो भी वहां से अपनी सेंसेस अदर सेंसेस का यूज कर सके, ठीक है, और वो भी कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ सके। यानी जो हमारे मटेरियल जो टीचर यूज कर रहे हैं ना उनमें प्लुरैलिटी होनी चाहिए भाई, एक तरह से वो एक से ज्यादा सेंसेस इनमें इन्वॉल्व हो ताकि जो है एक लार्ज पोर्शन ऑफ क्लास को टीचर अच्छे से कवर कर सके यहाँ पे। और टीचर को ऑटोनमी देता है एनसीएफ कि भाई ये आपकी ऑटोनमी है, ये आपकी फ्रीडम है कि आप किस तरह से जो है टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस को यहाँ पे कैरी करते हैं या कैरी ऑन करते हैं, ठीक है। तो यशपाल कमेटी पे ये बेस्ड है, यशपाल कमेटी लर्निंग विदाउट बर्डन भी कही जाती है, ठीक है। और जो हमारा मूव बियॉन्ड द कन्वेंशन ऑफ यूजिंग टेक्स्ट बुक, ये हमने भाई कर लिया ये पॉइंट डिस्कस कि भाई जो टेक्स्ट बुक है उससे थोड़ा उसका दायरा जो है टेक्स्ट बुक से थोड़ा बढ़ाना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट बुक को सेंटर में रख के ही यहाँ पे बच्चे को जो है कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन ना कराई जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है भाई, द इंपल्स टू टीच एवरीथिंग अराइजेस फ्रॉम द लैक ऑफ फेथ इन टीचर्स ओन क्रिएटिव इंस्टिंक्ट एंड देयर कैपेसिटी टू कंस्ट्रक्ट नॉलेज आउट ऑफ देयर एक्सपीरियंसेस। क्या कहता है भाई कि जो टीचर है ना उसमें
एक ऐसा ट्रस्ट हो कि भाई जो बच्चे हैं वो भी अपने ज्ञान का निर्माण खुद स्वयं से कर सकते हैं। अगर टीचर ऐसा ट्रस्ट रखेगा तो वो क्या कर पाएगा, यहाँ पे बच्चों को ऐसी ऑटोनॉमी टीचर दे पाएगा कि जो हर बच्चा है वो अपने नॉलेज का जो कंस्ट्रक्शन है वो खुद से अपने एक्सपीरियंसेस के माध्यम से कर सके। तो नेक्स्ट भाई ये कॉन्सेप्ट आता है क्या, क्रिटिकल पेडागोजी का कॉन्सेप्ट। इसको आलोचनात्मक शिक्षा शास्त्र भी कहा जाता है। अब क्या कहता है भाई, जो क्रिटिकल पेडागोजी है क्या मतलब है इसका, क्रिटिकल पेडागोजी मींस दैट द चिल्ड्रन आर क्रिटिकल ऑब्जर्वर्स ऑफ देयर ओन कंडीशन एंड नीड। क्रिटिकल पेडागोजी क्या कहती है कि जो बच्चे हैं ना भाई, आप उनको कम मत आंको, वो भी एक क्रिटिकल ऑब्जर्वर होते हैं। क्या होते हैं, वो भी एक क्रिटिकल ऑब्जर्वर होते हैं। अब आप खुद से देखो कि भाई एक 9-10 साल का जो बच्चा है, मान लो वो थर्ड या फोर्थ क्लास में, उसकी इतनी समझ डेवलप हो जाती है यहाँ पे कि वो क्लास में अगर वो कम ध्यान दे रहा है तो मतलब उसकी लर्निंग कम हो रही है, वो ज्यादा ध्यान दे रहा है तो आज उसकी लर्निंग ज्यादा अच्छे से हो रही है। मैं इसलिए बता सकती हूँ क्योंकि आई हैव अ कजन, तो मैं उससे बातें करती रहती हूँ, तो वो अक्सर ऐसी बातें मुझे बताता है। ठीक है, तो देखिए भाई क्या है कि जो ट्रू पार्टिसिपेशन स्टार्ट्स फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस ऑफ द बोथ द स्टूडेंट्स एंड द टीचर्स। बिल्कुल, ट्रू पार्टिसिपेशन कब कहेंगे हम, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में दोनों तरफ से पार्टिसिपेशन हो रहा है। कब, अगर जो स्टूडेंट्स है वो भी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें और जो टीचर है वो भी अपने एक्सपीरियंसेस यहाँ पे शेयर करें। टीचिंग शुड बी एन एक्ट फॉर चेंज दैट सस्टेन्स सोशल जस्टिस एंड डेमोक्रेसी एज इट्स मेजर गोल्स। अब जो भाई ये जो कॉन्सेप्ट था ना क्रिटिकल पेडागोजी का, ये पोलो फ्रेरे जो थे वो लेकर आए थे सबसे पहले। क्रिटिकल पेडागोजी का जो कॉन्सेप्ट है पोलो फ्रेरे द्वारा दिया गया था, और इन्होंने क्या कहा था कि जो क्रिटिकल पेडागोजी होती है ना वो एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। क्या, किस चीज की अपॉर्चुनिटी, कि जो हमारे स्टूडेंट हैं वो क्रिटिकली क्या कर सके, यहाँ पे थिंक कर सके और वो रिफ्लेक्ट कर सके ऐसे इश्यूज पे जो अभी तक जो है चले आ रहे हैं, चाहे वो पॉलिटिकल इश्यूज हो, चाहे वो सोशल इश्यूज हो, चाहे वो इकोनॉमिकल इश्यूज हो। क्या है भाई, क्योंकि जो शिक्षा है ना, शिक्षा को एक सोशल रिकंस्ट्रक्शन या फिर एक सोशल जो है कंस्ट्रक्शन का एक टूल माना गया था, ठीक है, और अब भी माना जाता है। तो भाई ये सोशल रिकंस्ट्रक्शन होगी कैसे, जब हम बच्चों को क्रिटिकली सोचना सिखाएंगे, यानी उनको क्रिटिकल थिंकर्स बनाएंगे, तभी तो वो जो एक लीक पे जो सारी चीजें चल रही है उससे कुछ हटके सोच पाएंगे, तभी तो वो डाइवर्ज थिंकिंग या फिर आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग कर पाएंगे। तो इसी चीज से रिलेटेड हमारी क्या है, क्रिटिकल पेडागोजी। ठीक है भाई, इट एंटेल्स द एक्सेप्टेंस ऑफ मल्टीपल व्यूज, यानी कि जो किसी भी एक कोई भी एक जो भाई एस्पेक्ट है उसपे यहाँ पे मल्टीपल व्यूज हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरह के विचार हो सकते हैं किसी भी सोशल इशू पे, ठीक है। और अगर डिफरेंट विचारों को यहाँ पे, डिफरेंट मल्टीपल व्यूज को बच्चों को एक्सेप्ट करना आ गया, तो एक तरह से उनकी एक्सेप्टेंस जो होती है ना एक डाइवर्स सोसाइटी को लेके वो बढ़ जाती है। बिल्कुल, और ऐसी जो एक्सेप्टेंस है वो सोशल और नेशनल इंटीग्रेशन में भी बहुत ज्यादा हेल्प करती है, जो हमने लास्ट वीडियोज में यहाँ पे डिस्कस किया था। So, a critical framework helps the children to see social issues from different perspectives. बिल्कुल यही बात, बिल्कुल कि भाई different perspective से, different विचारधारा से, different thoughts से यहाँ पे बच्चा इसको क्या कर जाएगा, सोचना शुरू कर सकता है, वो सीख जाएगा सोचना, ठीक है। Collective decision making जो है classroom में हो, open discussions classroom में हो, तो ये जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है बच्चे के जो है यहाँ पे कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन में या उसके ज्ञान के निर्माण में। अब भाई कुछ और चीजें यहाँ पे एनसीएफ हमें बताता है, वो क्या है कि जो टोटल नंबर ऑफ डेज फॉर द करिकुलम ट्रांजैक्शन इज डिसाइडेड टू बी 200 डेज। ये भाई 200 दिन जो है डिसाइड किए गए थे कि एक साल में कम से कम जो 200 डेज है वो यहाँ पे कम्प्लीट किए जाएंगे करिकुलम को ट्रांजैक्ट करने के लिए, ठीक है। नो होमवर्क अप टू क्लास सेकेंड, क्या बोला गया था कि भाई जो सेकंड क्लास तक के बच्चे को कोई होमवर्क ना दिया जाए, और जो थर्ड क्लास से जो प्राइमरी स्कूल का बच्चा है उसको कम से कम 2 आवर्स अ वीक, यानी वीक में सिर्फ 2 घंटे का होमवर्क दिया जाए, ठीक है। ऐसे करके इसने बता रखा है कि जो 1 आवर अ डे यानी दिन में सिर्फ 1 घंटे का होमवर्क किसे दिया जाएगा भाई, अबाउट 5 to 6 hours अ वीक मीन्स मिडिल स्कूल के बच्चों को, ठीक है। फिर 2 आवर्स अ डे, एक दिन में 2 घंटे जो है वो किसको दिए जाएंगे, सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए होमवर्क डिसाइड किया गया था।
मतलब इतने घंटे का, यानी उसको एक्स्ट्रा बर्डन नहीं करना है बच्चे को यहाँ पे, ठीक है भाई। अब टीचर एजुकेशन के बारे में भी यहाँ पे एनसीएफ ने बात की है, और देख लेते हैं हम कि क्या बात की है टीचर एजुकेशन के बारे में। टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स नीड टू बी रीफॉर्मुलेटेड एंड स्ट्रेंथन्ड, यानी जो जिस तरह से उनको फॉर्मुलेट किया गया है ना, अब उनको क्या करने की जरूरत है भाई, रीफॉर्मुलेशन करने की जरूरत है, यानी उनमें कुछ बदलाव, कुछ चेंजेस लाने की जरूरत है। क्या करना है, उनको स्ट्रेंथन करना है हमने, सो दैट द टीचर कैन बी एनकरेजिंग सपोर्टिव एंड ह्यूमेन फैसिलिटेटर इन टीचिंग। बिल्कुल भाई, ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है यहाँ पे कि जो टीचर है उसका क्या रोल है एनसीएफ के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो एनसीएफ है वो एक रचनावादी विचारधारा पे यहाँ पे उस अप्रोच पे बेस्ड है। तो अब जो टीचर है ना, वो एक बच्चे का एक गाइड, एक फैसिलिटेटर, एक एक तरह से उसका एक यहाँ पे मेंटर बन के एक तरह से उसको फैसिलिटेट करेगा जब बच्चे को जरूरत होगी, सिर्फ तब, ठीक है। अदरवाइज वो उसको ज्ञान का निर्माण अपना खुद से करने देगा। टू डिस्कवर देयर टैलेंट्स, टीचर उसको हेल्प करेगा अपने टैलेंट्स को डिस्कवर करने के लिए। टू रियलाइज देयर फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल पोटेंशियलिटीज, बिल्कुल, कि बच्चा फिजिकली और इंटेलेक्चुअली जो है वो कितना ज्यादा कैपेबिलिटी वो रखता है, ये सारी चीजें एक्सप्लोर करने में टीचर जो है बच्चे की हेल्प करेगा। यहाँ पे वो उसको फैसिलिटेट करेगा, यानी फैसिलिटेट करना मींस उसको ऐसे मौके यहाँ पे दिए जाएंगे, ऐसे एक्टिविटीज कराएगा टीचर, ताकि बच्चा जो है उसका कैरेक्टर डेवलप हो जाए, उसमें सोशल एंड ह्यूमन वैल्यूज भी जो है डेवलप हो जाए। देखो भाई कितना ज्यादा, मतलब एकदम कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से जो है बच्चे के डेवलपमेंट का यहाँ पे ध्यान रखा जा रहा है, उसके हर एस्पेक्ट को ध्यान में रखा जा रहा है एनसीएफ 2005 के द्वारा। ये सेम वही लाइन है भाई फिर से, इंटीग्रेशन ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल डायमेंशन, यानी कि थ्योरी के साथ साथ आप उस कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिकल जो डायमेंशन हैं वो भी यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे भाई, ठीक है। एनसीएफ 2005 ने क्या कहा कि जो इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग है, जो इन सर्विस हमारे टीचर्स हैं, उनकी एजुकेशन के लिए भी आप क्या करेंगे यहाँ पे ट्रेनिंग कराएंगे, और वो एक कैटलिस्ट का काम करेगी। कैटलिस्ट क्या होते हैं भाई, केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है कि कैटलिस्ट ऐसे स्पीशीज होती है जो रिएक्शन की जो स्पीड होती है उसको चेंज कर देती हैं, वो उसको फास्ट भी कर सकती हैं, स्लो भी कर सकती हैं, लेकिन यहाँ हम समझेंगे कि ये रिएक्शन की रेट को फास्ट करेंगे। कैसे रिएक्शन भाई, जो बच्चा है उसकी ये जो पूरी प्रोसेस, हम एक तरह से इस पूरे एजुकेशन सिस्टम को टीचर सेंट्रिक से लर्नर सेंट्रिक में जो कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये प्रोसेस को फास्ट अप कौन करेगा, अच्छे टीचर्स ही करेंगे भाई, है ना। ऐसे टीचर्स जिनका खुद का जो सोच का दायरा है वो बहुत ही ब्रॉड होगा, जो खुद क्रिटिकली थिंक कर पाएंगे, जो खुद जो है बच्चे को पे ट्रस्ट कर पाएंगे कि हाँ ये अपने ज्ञान का निर्माण खुद कर सकता है, तो उन सभी चीजों में टीचर्स को क्या देनी पड़ेगी भाई, इन सर्विस यहाँ पे ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, इन सर्विस प्रोग्राम्स चलाए जाए। तो ठीक है भाई, आज की इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, एक अच्छी वीडियो में। ऐसे हम इसको पूरा कंटिन्यू रखेंगे सीरीज को, और मैं आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।